ये हमको जो है आरती कुमारी 4 बजे फ़ोन किया कि पापा आप जल्दी आइए, छोटू को मेरा भाई, मेरा पिताजी धीरेन्द्र यादव, मेरा भाई रविकांत यादव, मेरा बहनई पवन यादव, मिथिलेश यादव और मेरा भाई का साला चंदन यादव, अरुण यादव, निर्भय यादव, ये सब मिल के सच छोटू को मार रहे हैं साजिश के तहत। मेरा भाभी बुलाए रूबी देवी और सब वहाँ जमा था पहले से, साजिश के तहत उनको पूरा मारपीट किया और जो है 6 बजे के लमसम, 6:30 बजे के लमसम उनको जो है करेंट सटा के मारे। मेरे सामने हुआ ऐसा, मैं मेरे जाने पर जिंदा था छोटू, मैं उनका चीख सुना खिड़की से, मैं देखा कि छोटू को मार रहा है, चीख सुना, वो बोला पानी दीजिए पानी दीजिए। मैं आवाज़ लगाया तो वो पहचान लिया कि मेरा पापा आ गया है, पापा मुझे पानी पिलाओ। बहुत रिक्वेस्ट किए उन लोग से कि हमको पानी पिला लें दो, लेकिन घर नहीं खोला उन लोग, बिल्कुल बंद था। तो आप लोग गांव के लोग और भी लोग गए, सब लोग भीड़ थी। इसके बाद अरुण यादव हमको 10-15 मिनट उधर बाहर आ करके उनको बलगला के रखा कि से रुकिए, सामंजस्य करते हैं, छोटू का आरती का शादी करवा देंगे, आप गाड़ी मंगा लीजिए। हम गाड़ी भी मंगा लिए उसकी कहने पर। आपको अंदर जाने नहीं दिया? अंदर जाने नहीं दिया, बाहर हम रहे। तो आप जी चीख वगैरह सुन रहे थे तो आपको लगा नहीं कि भाई लोगों को बुलाना चाहिए गांव से? लेकिन वो जो बलगला के रखा अरुण यादव बोला कि हम सामंजस्य करते हैं शादी करा देंगे। अच्छा, और हम अरुण यादव लड़की के पिता? नहीं, अरुण यादव लड़की का जो है ना भाई का साला है। हाँ, गुमराह करके रखा है, गुमराह करके रखा। और इसके बाद निर्भय यादव वो भी आया, वो भी बोला कि ठीक है छोटू, अभी हम इंजेक्शन दिए हैं, ठीक है छोटू, नहीं मरा है। लेकिन इसके बाद मेरे गांव से लड़का लोग गया, उस दरवाजे को जो है ना धक्का मार के खोला, अंदर देखता है किसे मरा पड़ा हुआ है। फिर हमको बोला कि आप यहाँ सामंजस्य कर रहे हैं, छोटू तो मर गया। फिर वहाँ से तो बिल्कुल बेहोश हो गए, पता नहीं चला कि क्या हुआ नहीं हुआ। हम आपको पता कब कितने बजे चला था कि उनकी मौत हो गई? जब अंदर गए हम देखते हैं कि बिजली का करंट लगा हुआ था, उनको शरीर में टच किया हुआ था। तो सब घटना के जिम्मेदार सब है, सब मिल के साजिश किया है, सब मिल के साजिश किया है। आरती जो है यहाँ पहुँची है जी जी, और आप कह रहे हैं कि हम बहू की बात करें या फिर नहीं, अभी ये सब बात कुछ नहीं होगा, पहले हमको जो है इंसाफ मिलना चाहिए, इसके बाद कुछ होगा, हम मांग करेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल थे छोटू के घर पे, यानी आरती और छोटू की मोहब्बत की कहानी आपने फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह आपने सुनी, और जिसकी वजह से छोटू को अपनी जान गंवानी पड़ गई, यानी कि छोटू को धोखे से बुलाया गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। पिताजी से आपने सुना कि उनकी चीख की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ उनके पिता ने सुनी, कोशिश भी की कि अपने बेटे को बचा ले, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों ने दरवाज़ा तक नहीं खोला, लोगों ने वरगलाता रहा कि भाई अब हो जाएगा, अब गाड़ी नहीं बुलाइए, तो हमें इंजेक्शन का वगैरह कर दिया, बहुत कुछ बातें उनके पिताजी से कहा, जिसकी वजह से उनके पिताजी वहाँ पर इंतज़ार करते रह गए और उनको पता ही नहीं चला कि उनके बेटे की जो है हत्या कर दी गई है, उनके बेटे की मौत हो गई है। हमारे समाज में होता है कि हमारे यहाँ पर ना, हमारे जो इलाका है, ये जो इलाका है जिस इलाके में अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ, रानीगंज प्रखंड अररिया ज़िले के अंतर्गत आता है, गाँव का जो माहौल होता है, हर जगह पंचायत सिस्टम, बेहतरीन पंचायत सिस्टम होता है, पुलिस प्रशासन होती है। हाँ, ऐसे मामलात हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला है, हर जगह होता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि भाई छोटू को जब पकड़ लिया या किसी भी तरीके से उसे जब अपना घर में देख लिया उसे, तो उसे पकड़ कर रखना चाहिए था, सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए था। पंचायत सिस्टम है, पंचायत में फैसला होता, जुर्माना लगते, मार पीट होती, जो भी होता, लेकिन कम से कम छोटू जिंदा तो रहता, वो इस दुनिया में मौजूद तो होता, एक बाप की लाठी तो कम से कम नहीं खोती, बहुत कुछ होता। लेकिन देखिए, इतना बेहतरीन सिस्टम, पंचायत सिस्टम होने के बावजूद उसे उसकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया। और आरती के भी फिलहाल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, वो बोलने के काबिल नहीं है, वो बोल ही नहीं पा रही है, बार बार उसे वो बेहोश हो जाती है, उसको एक तरह से चिड़चिड़ापन हो गया है। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं क्या माहौल होगा। अभी फिलहाल आरती छोटू के घर पर रह रही है, ये तो देखिए छोटू के माँ बाप का एक बड़प्पन आप देख समझ सकते हैं, या बड़प्पन आप कह सकते हैं कि आरती को उन्होंने अपना बेटा मान करके फिलहाल यहाँ पर रखा हुआ है। और आरती के छोटू के पिताजी का ये कह रहा है कि हम वो जो कुछ करना चाहती है आरती, हम उसको कराएंगे, पढ़ना चाहती है पढ़ाएंगे, जो कुछ आगे का प्लान उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि हम उनको अभी फिलहाल रखे हुए। और एक बात उन्होंने ये भी कहा, अभी ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि देखिए, जो सोशल मीडिया पर एक तरह से ना
एक अफवाह फैल रही है कि भाई छोटू के भाई के साथ आरती की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, बहुत तरह की बातें हो रही। ये बिल्कुल गलत है। अभी तक इन्होंने कह भी दिया है, वीडियो में आपने सुना भी होगा, कि इस तरह की जो अफवाह है वो बिल्कुल नदारद है, बिल्कुल झूठ पर मबनी है। कुछ लोग जो है ना आरती को लेकर के ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है, उनके यहाँ पर उसकी जो है कुछ परेशानी हुई है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये भी झूठी खबर है। लोग जो है टीआरपी की वजह से बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, व्यूज़ के चक्कर में बहुत कुछ करने को तैयार है। हमने आपको यहाँ पर ये छोटू के घर पर पहुँचकर छोटू के पिताजी से बात करके हमने दिखाया, और ये फिलहाल ये जो घर देख रहे हैं ये छोटू का घर है। और छोटू के सबसे बड़ी बात है ना, छोटू के पिताजी जो थे ना वो सत्संगी थे, और आरती के पिताजी भी सत्संगी, और दोनों देखिए एक दूसरे को पहले से जानते थे। कभी उन्होंने महसूस भी नहीं किया होगा कि एक जानकार आदमी, एक दोस्ताना ताल्लुकात रखने वाला आदमी मेरे बेटों को मार देगा। आज तक के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अगर आरती से बात होती है तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।